दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को कितनी सैलरी मिलती है और उन्हें कितना पैसा मिलता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हम आपको इस शो के सभी कंटेस्टेंट्स के सैलरी के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई खबर आपको मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको बिग बॉस शो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिखें कि आई एम फैन ऑफ बिग बॉस शो, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस सीजन में दर्शकों को बांधे रखने के लिए बिग बॉस के मेकर्स नए तरीके लेकर आए हैं। सेलिब्रिटीज का घर में खास तरीके से स्वागत किया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिग बॉस ओटीटी का प्रीमियर 8 अगस्त को हुआ, जिसमें करण जौहर होस्ट थे। नया प्रारूप औसत व्यक्ति को बिग बॉस ओटीटी जैसे शक्तियों के पेशकश करेगा, जिससे उन्हें प्रतियोगियों को चुनने और उनके ठहरने, कर्तव्यों का नियंत्रित करने और कार्यक्रम से बाहर निकालने को अनुमति मिलेगी। डिजिटल सेगमेंट शो को दिलचस्प बनाएगा। करण जौहर इस शो को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होस्ट करेंगे और उसके बाद जब टीवी पर इसका प्रसारण शुरू होगा तो सलमान खान वापस आने वाले हैं। बिग बॉस ओटीटी का पहला दिन ही ड्रामा और लड़ाई झगड़ों से भरा रहा। जिम्मेदारियों के बंटवारे को लेकर प्रतियोगियों में बहस हो गई। सूत्रों के मुताबिक रिद्धिमा पंडित बिग बॉस ओटीटी के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी हैं। हाँ, पर एपिसोड के लिए उनका पराश्रमिक 5 लाख है, अन्य 2-3 लाख की सीमा में है, और वह अकेली है जिसे इतना अधिक भुगतान किया जा रहा है। घर में अनुषा डांडेकर, रिद्धिमा पंडित, करण नाथ, दिव्या अग्रवाल, प्रतीक सहजपाल, नेहा भसीन उर्फी जावेद, अक्षरा सिंह, निशांत भट्ट, जिशान अली, नेहा मलिक और पवित्रा लक्ष्मी शामिल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतीक सहजपाली के सैलरी के बारे में। तो आपको यह बता दें कि प्रतीक सहजपाली को 1 लाख पर वीक मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं राकेश बापटी के सैलरी के बारे में। इन्हें बिग बॉस से हर हफ्ता 1,20,000 मिलेंगे। अब इसके बाद बारी है निशांत भट्ट की, तो इन्हें हर हफ्ते 1,20,000 बिग बॉस शो से मिलेंगे। अब बात करते हैं मुस्कान जटाना की सैलरी के बारे में, तो इन्हें हर हफ्ते 1,50,000 का भुगतान किया जाएगा। अगर करण नाथी की बात की जाए तो इन्हें भी हर हफ्ते 1,50,000 का भुगतान किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं भोजपुरी फिल्म की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की सैलरी के बारे में, तो इन्हें हर हफ्ते बिग बॉस से 1,75,000 का भुगतान किया जाएगा। अब बात करते हैं मिलिंद गाबा की सैलरी के बारे में, तो इन्हें भी 1,75,000 बिग बॉस की तरफ से हर हफ्ते दिया जाएगा। काफी फेमस सिंगर नेहा भसीन की बात की जाए तो इन्हें हर हफ्ते 2 लाख बिग बॉस की तरफ से मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं दिव्या अग्रवाल की सैलरी के बारे में, तो इन्हें भी हर हफ्ते 2 लाख दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं जिशान खान की सैलरी के बारे में, तो इन्हें हर हफ्ते 2,50,000 का भुगतान किया जाएगा। अब बात करते हैं उर्फी जावेद की सैलरी के बारे में, तो इन्हें हर हफ्ते 2,75,000 का भुगतान किया जाएगा। अब बात करते हैं मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी की सैलरी के बारे में, तो इन्हें हर हफ्ते 3,75,000 का भुगतान किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाली रिद्धिमा पंडित के बारे में। तो आपको बता दें कि इन्हें हर हफ्ते 5 लाख का भुगतान किया जाएगा बिग बॉस की तरफ से। तो यह थी बिग बॉस शो के कंटेस्टेंट्स की सैलरी के बारे में पूरी जानकारी कि वह इस शो से कितना कमाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जल्द से लिख दें आई एम फैन ऑफ बिग बॉस शो।